तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि हम मात्र 200 रुपए में रिंग लाइट को कैसे बना सकते हैं जिससे हमारा बहुत ही बढ़िया जो प्रोफेशनल वीडियो शूट हो। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जस और आप देख रहे हैं टेक कार्ड ट्रेड्स। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ये मैंने लिया है जो कि इसे बोलते हैं हम समय का, और दो मैंने इसको पार्ट लिए हैं और उसको मैंने जो बीच में काट लिया है दोनों को। दोस्तों इसकी हम करेंगे इसमें गलाई। दोस्तों मैं इसकी गलाई कर कर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप इसको ऐसे तरीके से जो कि इसकी गलाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारा जो इसको हमें यहाँ से कनेक्ट करना होगा यहाँ से, तो ये जो बिल्स बिल्कुल जो है गोलाकार में हो जाएगा। और जो दोस्तों जो जो मैंने दूसरा पार्ट लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी हमें यहाँ से राउंड शेप में गोल करना होगा। और इसको हम जो कि छोटा कार देंगे थोड़ा सा छोटा कार में, तो ये भी पूरी तरह से जो कि राउंड हो जाएगा और पूरा गोलाकार हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको चिपका लेते हैं जल्दी से। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. पूरी तरह से जो कि गोला आकार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने जो कि टेप को यूज़ किया है, तब तक ये पकता नहीं है। ये टेप हमको ऐसे ही लगाना होगा और बीच में से जो कि फेविकोल को यूज़ किया है। तो दोस्तों अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसको ऐसे ही करना होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे जो दोनों पार्ट हैं ये तैयार हो चुके हैं, और हम इसको जो कि सूखने के लिए छोड़ देते हैं एक बार। तो फाइनली गाइस ये दोनों जो रोड हैं ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं ये बहुत अच्छे हो चुके हैं। और दोस्तों अब हम इसका जो नीचे का पार्ट है उसको तैयार करना होगा। और दोस्तों मैंने ये दो जो शीट हैं ये लिए हैं, और इसका हम जो इसका नीचे का पार्ट है वो तैयार करके यहाँ से इसे कनेक्ट कर कर। तो दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और मेरे पास बड़ा जो शीट नहीं था इसलिए मुझे ये दो टुकड़े लेने पड़ रहे हैं, तो उसको इसी से काम चल जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसको हम लगा देते हैं इसके पीछे, और आपको ऐसे दोस्तों करना होगा इसको ऐसे यहाँ पर, और जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर और जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर। और हम दोस्तों इसको बिल्कुल जो गोल आकार में काट लेते हैं, और जो ये टुकड़े हैं हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मैं इसका राउंड कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो नीचे का गोल पार्ट है उसको भी चिपका दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो कि चिप चुका है इसके साथ। और पीछे से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका आकार है। और दोस्तों हमें यहाँ पर अब ये होल करना होगा, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको भी निकालना होगा दोस्तों। तो हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो इसका नीचे का पार्ट है वो निकाल दिया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब ये जो इसकी शेप है पूरा जो हमारा होता है रिंग लाइट की और की हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये मैंने जो बीच में इसको निकाल दिया है। तो दोस्तों हमें अब यहाँ पर इसको वायरिंग करना होगा, और जो हम LED है इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों हम जो इसकी LED है इसको यूज़ कर लेते हैं इसके बीच में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ LED ली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको 5-10-10 रुपये में जो LED है ये बाज़ार से या मार्केट से या अमेज़ोन से आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको ये 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 18 वाट का LED, और मैं इसको चिपका देता हूँ। तो फाइनली गाइस जो मैंने इसकी वायरिंग है वो अच्छे तरीके से कर ली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका वायरिंग है वो हो चुका है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव होता है दोनों को आपस में जोड़ देना है। और दोस्तों अब हम इसमें जो ये वायरिंग करना बहुत आसान है, और जो हमारी ये लाइट है ये AC करंट वाली लाइट है,
और अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पर डीसी करंट वाली ये लाइट लगाना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसके बीच में अडाप्टर लगाना होगा, लेकिन इसका इसमें एसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको, मैंने जो एसी करंट दिया है इसको सीधे ही जो मैंने लाइटिंग लगाई है वही लाइटिंग है ये। तो दोस्तों अब हमें इसके हमें यहाँ पर एक होल करना होगा और यहाँ पर हम स्विच का ऑप्शन देंगे, यहाँ से हम स्विच को ऑन कर सकें और ऑफ़ कर सकें रिंग लाइट को। तो चलिए, तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा रिंग लाइट है ये तैयार हो चुका है, और हमने यहाँ पर जो स्विच का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्विच का जो ऑप्शन है उसको दे दिया है, और बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ LED लाइट्स हैं उसको भी लगा दिया है। तो दोस्तों इसका हम स्विच को जो उसकी वायरिंग है स्विच में आने के लिए वो कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये स्विच है इसके हम कनेक्शन यहाँ से करने होंगे, तो हमें यहाँ से जो ये मैंने टेप लिया था इसको मैं निकाल देता हूँ और मैं यहाँ से इसकी जो कनेक्शन है वो कर देता हूँ। और दोस्तों यकी मैंने ये वायर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप बड़ा वायर भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने चूँकि छोटा वायर लिया है तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। और दोस्तों जो दूसरा वायर है उसको ही हमें ऐसे ही एडजस्टमेंट करना होगा, और अगर आप चाहे तो आप अलग अलग कलर के जो वायर हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने एक टेप लिया है, इसको जो मैंने यहाँ पर जोड़ लगाए हैं इसको हमें टेप रोल से रोल करना होगा। तो दोस्तों मैं इसको फाइनली टेप लगा देता हूँ, क्योंकि जो आपस में ये स्पार्क ना हो और कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ना होगा दोस्तों इसको मैंने यहां से वायर को बाहर निकालना होगा। और इसका जो कनेक्शन है वो करना होगा हमें यहां पर। और दोस्तों जो कनेक्शन है हमें यहां पर करना होगा, और मैं इसका जो कनेक्शन है वो कर देता हूँ यहाँ से। और आपको जो नट है इस पूरा टाइट कर देना होगा। और दोस्तों जो दूसरा वायर मैंने लिया है इसको भी हम छील लेते हैं, इसका जो वायर हमने बाहर निकाल लिया आप देख सकते हैं, और इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी कनेक्शन कर दिए हैं, और हम इसका जो ट्रायल है वो लेते हैं, देखते हैं ये काम जब होता है या नहीं। तो दोस्तों ये मैंने स्विच को भी लगा दिया है, तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। और दोस्तों मैंने एक जो कि ये
प्लग को लिया है और मैं इसमें इसको यूज़ करता हूँ, लगाता हूँ वायरिंग को और देखता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ से ऑफ और यहाँ से ऑन हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से जो कि वर्क कर रहा है ये रिंग लाइट। तो दोस्तों ये मैंने इसका कुछ यहाँ पर ऊपर का पार्ट लिया है, तो हमें इसको ऐसे लगाना होगा और इसको गोलाकार में काट लेना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको काट लेते हैं। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा रिंग लाइट है उसका जो ऊपर का कवर भी हमने लगा लिया है और हमारा जो रिंग लाइट है वो पूरी तरह रेडी हो चुका है। और हम इसका जो प्लग को यूज़ करते हैं, और मैंने ये एक बोर्ड लिया है और हम उसको चेकिंग करते हैं ये दिखने में कैसा लगता है। दोस्तों मैं इसकी जो वायरिंग है वो भी मैंने कर दी थी और मैं इसको जो प्लग है उसमें इसका स्विच में लगाता हूँ। हम इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से जो कि ऑन हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसका जो ब्राइटनेस है आप यहां पर चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। और अब हम इसमें जो स्टैंडिंग है वो लगा देते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा जो रिंग लाइट है वो तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये मैंने जो सेल्फी स्टिक का होता है हब उसको लगा दिया है यहाँ से गोल कर कर, और नीचे की और जो मैंने एक स्टैंड है, आपको ये स्टैंड 450 रुपए में अमेजोन पे या फिर आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से इससे काम चला सकते हैं और हमारा जो रिंग लाइट है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो हम इसका जो स्विच है उसको ऑन करते हैं। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और अच्छा जो कि परफॉर्मेंस आ रहा है इसका और अच्छी जो क्वालिटी दे रहा है, अच्छी ब्राइटनेस दे रहा है ये। और दोस्तों अब हम इस पे जो कि अपना मोबाइल फ़ोन लगाकर देखते हैं किसका क्या रिस्पांस आता है। तो दोस्तों मैंने मोबाइल को अपने जो देसी रिंग लाइट है उसमें एडजस्ट कर दिया है और दोस्तों हम इसका ब्राइटनेस देखते हैं, इसका कितना ब्राइटनेस है और ये कितनी जो कि क्वालिटी देता है। तो दोस्तों मैं इसका जो स्विच है उसको ऑन करता हूँ। और दोस्तों ये मैंने इसका स्विच को ऑन कर दिया और आप मेरे फेस में देख सकते हैं और आप ये ब्राइटनेस देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि बढ़िया ब्राइटनेस आ रहा है और कितना अच्छा जो कि वीडियो शूट हो रहा है। तो दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से मात्र 200 रुपए में अपना जो रिंग लाइट है अपने होम मेड घर में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और दोस्तों लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।